गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं चंद्र कुशवाहा SBIC मुरनापुर। मैं आज आप लोगों को क्लास 12 के होम साइंस का चैप्टर संतुलित आहार बैलेंस डाइट पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग मुख्य पांच बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला, संतुलित आहार का है। संतुलित आहार के निर्धारण कर और संतुलित आहार प्राप्ति के लिए विभिन्न आहार समूह कौन कौन से हैं, मांगे तथा सस्ते पोषक तत्व और कुपोषण। प्रत्येक प्राणी जीवित रहने के लिए निरंतर आहार ग्रहण करता है। मनुष्य भी इसी तथ्य का अपवाद है। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है तथा अपनी आवश्यकताओं के प्रति सजग है, तो उसने अपने आहार के विषय में भी व्यापक अध्ययन किया तथा अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर आहार विज्ञान ने यह स्पष्ट किया कि व्यक्ति का आहार कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। संतुलित आहार के क्या अर्थ हैं? संतुलित आहार का अर्थ उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। शरीर को आहार की आवश्यकता किन किन कारणों से, यहाँ नीचे पढ़ेंगे। ऊर्जा के लिए, पहला ऊर्जा के लिए, दूसरा निर्माण शरीर निर्माण के लिए, तीसरा शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए। अतः वैसा आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूर्ण करता है, वैसा आहार संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए नीचे देखते हैं। संतुलित आहार कम से कम निम्नलिखित बातों का ध्यान, जैसे या नीचे जो बातें दी हैं इसका ध्यान रखना चाहिए। कम से कम एक तिहाई प्रोटीन प्राणी जन्य स्रोत से प्राप्त होना चाहिए। वनस्पति से उपलब्ध प्रोटीन एक ही स्रोत से प्राप्त न किए जाए या विभिन्न स्रोतों अन्य स्रोतों से भी प्राप्त होने चाहिए, जिससे शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के अमीनो अम्ल प्राप्त हो सके। वसा का लगभग 50% भाग जंतु वसा का होना चाहिए ताकि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो सके। भोजन में सब्जी और फल की मात्रा दाल अथवा मांस के भार की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक होना चाहिए, जिससे खनिज लवणों की पूर्ति हो सके। जब अतिरिक्त कार्य या परिश्रम करना पड़े तो अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति शर्करा या मंड से की जानी चाहिए। भोज्य पदार्थों को प्राकृतिक अवस्था में आहार में सम्मिलित करने से लवण तथा विटामिन की वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति सुगमता से की जा सकती है। अब संतुलित तथा पर्याप्त आहार बैलेंस डाइट ये कैसा है? दूसरा, ऐसा आहार जो व्यक्ति को भूख को शांत करता है, उसे उसके भार में कमी नहीं आने देता है तथा शरीर को सामान्य रूप से क्रियाशील बनाए रखता है, पर्याप्त आहार कहलाता है। पर्याप्त आहार शरीर में थकावट भी नहीं होने देता है, यद्यपि ऐसा आहार सामान्य रूप से देखने पर शरीर की वृद्धि आदि के लिए भी उपयुक्त प्रतीत होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि इससे शरीर को पूर्ण स्वस्थ एवं निरोग बनाया जाए। रखने में वाले तत्व सुरक्षात्मक तत्व भी सम्मिलित होते हैं। पर्याप्त आहार से भिन्न संतुलित आहार में आहार के समस्त आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में तथा आवश्यकता अनुसार सही अनुपात में विद्यमान होते हैं। वास्तव में संतुलित आहार अपने आप में एक पर्याप्त आहार होता है। संतुलित आहार जो होता है अपने आप में पर्याप्त आहार होता है, साथ ही इससे शरीर के आहार संबंधित आवश्यकताओं पूरा करने वाले सभी इसमें जो होते हैं शरीर के आवश्यकता को पूरी करने वाले सभी आवश्यक पोषक तत्व भी सही मात्रा में इसमें विद्यमान होते हैं। संतुलित आहार शरीर के लिए वृद्धि कारक क्षति पूर्ति करने वाला, समस्त अंगों या अंग तंत्रों को सुचारू रूप से संचालित करने वाला, सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तथा शरीर को पूर्णतः स्वस्थ निरोग रखने वाला होता है। पर्याप्त आहार कुछ समय के लिए तो उचित जान पड़ता है, परंतु एक समय के उपरांत इसकी कमियों के प्रभाव दिखाई देने लगते हैं, दृष्टिगोचर होने लगते हैं, व्यक्ति अभावजनित या अपूर्ण रोग का शिकार होने लगता है। उदाहरण के लिए आहार में विटामिन की कमी से व्यक्ति विभिन्न रोगों का शिकार हो सकता है, इसलिए व्यक्ति को संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। संतुलित आहार के निर्धारक कारक कौन कौन से हैं? संतुलित आहार की संक्षिप्तता को स्पष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि उन कारकों को स्पष्ट किया जाए जो किसी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार को निर्धारित करते समय ध्यान में रखने चाहिए। इन कारकों को संतुलित आहार के निर्धारक कारण कहते हैं। वे कारक जो संतुलित आहार को निर्धारित करते समय जिन कारकों का ध्यान रखना चाहिए उन्हें संतुलित आहार निर्धारक कारक कहलाते हैं। संतुलित आहार के मुख्य निर्धारक कारक नीचे देखिए कौन कौन से हैं। व्यक्ति की आयु, आयु के अनुसार संतुलित आहार का निर्धारण। व्यक्ति की आयु संतुलित आहार के निर्धारक कारकों में सर्वप्रमुख कारक
है। पहला कारक है किसी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार को निर्धारण के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति की आयु को ध्यान में रखा जाता है। वास्तव में जो आहार एक बच्चे के लिए संतुलित आहार है वही एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए न तो संतुलित आहार हो सकता है न ही पर्याप्त आहार होता है। जो है एक आहार जो बच्चे के लिए संतुलित आहार है, छोटे बच्चे के लिए जो संतुलित आहार वही एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए न वो आहार संतुलित हो सकता है न पर्याप्त आहार हो सकता है। बाल्यावस्था में शरीर की वृद्धि के दर अधिक होती है, बाल्यावस्था में शरीर अधिक वृद्धि करता है, इस कारण बच्चे के आहार में प्रोटीन और वसा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था में व्यक्ति के आहार वृद्धि कारक तत्वों का समावेश की आवश्यकता कम होती है, उस समय उनके शरीर ज़्यादा वृद्धि नहीं करते हैं इसलिए इनकी आवश्यकता कम होती है। इस अवस्था में शरीर के रख रखाव के लिए आवश्यक तत्वों को ये प्राथमिकता दी जाती है कि कौन से इस अवस्था में प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में उनके शरीर के रख रखाव के आवश्यक तत्वों को ही प्राथमिक उनके भोजन में शामिल किया जाता है। वृद्ध व्यक्ति के लिए संतुलित आहार के निर्धारक के समय यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि उनका आहार सुपाच्य हो, पचने में आसानी से पच जाए, क्योंकि वृद्धावस्था में व्यक्ति की पाचन शक्ति घट जाती है। वृद्धावस्था में अधिक वसा युक्त आहार उचित नहीं माना जाता, वृद्धावस्था में अधिक वसा युक्त भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं किसी को भी वृद्धावस्था में वसा युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के शरीर का आकार, अब आकार के आधार पर किसी व्यक्ति के संतुलित आहार के निर्धारण के लिए उसके शरीर के आकार को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। सामान्यतः ऐसे लंबे कद वाले तथा सामान्य से मोटे शरीर वाले व्यक्ति को अधिक मात्रा में आहार की आवश्यकता होती है। सामान्य से छोटे कद वाले तथा दुबले पतले शरीर वाले व्यक्तियों को कम मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सामान्य से कम वजन वाले व्यक्ति के लिए संतुलित आहार का निर्धारण करते समय आहार में शारीरिक वृद्धि कारक पोषक तत्वों की अधिक मात्रा का समावेश किया जाना चाहिए। इसके विपरीत मोटे व्यक्तियों के संतुलित आहार में वृद्धि कारक तत्व एवं वसा की न्यूनतम मात्रा का समावेश होना चाहिए, कम मात्रा में वसा होनी चाहिए। अब लिंग भेद तीसरा है। लिंग भेद संबंधित कारक संतुलित आहार के निर्धारक कारक में व्यक्ति का लिंग एक महत्वपूर्ण कारक है। स्त्री है या पुरुष के निर्धारक संतुलित आहार की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। स्त्री और पुरुषों के निर्धारित संतुलित आहार की मात्रा भिन्न होती है। इस अंतर के लिए दो कारक जिम्मेदार होते हैं। प्रथम है शारीरिक आकार एवं अंतर। सामान्य रूप से स्त्री एवं पुरुष के शरीर के वजन लंबाई में अंतर पाया जाता है। इस अंतर के कारण आज हम लोग संतुलित आहार के निर्धारण के लिए तीन कारक पड़ चुके थे, व्यक्ति की आयु, व्यक्ति के शरीर का आकार, लिंग भेद संबंधित कारक। आज हम लोग पढ़ेंगे शारीरिक श्रम संबंधित कारक। शारीरिक श्रम जो कैसा शारीरिक संबंध श्रम करता है उसके अनुसार उसका भोजन कैसा होना चाहिए। संतुलित आहार की मात्रा एवं पोषक तत्वों के अनुपात को निर्धारित करते समय व्यक्ति द्वारा सामान्य रूप से किए जाने वाले श्रम अथवा व्यवसाय को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। सामान्य से अधिक श्रम करने वाले जो सामान्य से अधिक श्रम करने वाले व्यक्ति के आहार में ऊर्जा धारक तत्वों को की मात्रा सामान्य से अधिक होती है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट। सामान्य रूप से कार्बोहाइड्रेट को भी ऊर्जा प्राप्ति के लिए उत्तम पोषक तत्व माना गया है। यही कारण है कि अधिकांश जो श्रम करने वाले लोग होते हैं गुड़ शक्कर आदि की अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं। कम शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के आहार में ऊर्जादायक तत्वों की मात्रा कुछ कम होनी चाहिए, कुछ ही मात्रा में कम होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति का अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा ग्रहण करने से उनके शरीर का वजन क्या होता है, बढ़ जाता है, मोटापा के शिकार बन जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। और जो व्यक्ति मानसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों के आहार में जो मानसिक कार्य करते हैं उनके आहार में प्रोटीन युक्त पोषक तत्वों को अधिक होना चाहिए। प्रोटीन युक्त पोषक तत्व अधिक मात्रा में होने चाहिए। और आइए देखते हैं जलवायु का प्रभाव। संतुलित आहार के निर्धारण के लिए जलवायु का भी ध्यान रखना आवश्यक है। सामान्य रूप से ठंडी जलवायु में जहाँ एक अधिक मात्रा में आहार की आवश्यकता होती है, ठंडी जलवायु में आहार जो होता है अधिक आहार की अधिक आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी ओर इस आहार में ऊर्जादायक तत्व की अधिक मात्रा भी समावेश किया जाता है। इसके विपरीत गर्म जलवायु में आहार की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके विपरीत गर्म जलवायु में
पसीना अधिक आता है तथा पसीने के माध्यम से खनिज लवण जो खनिज लवण होते हैं हानि अधिक होने लगती, खनिज लवण अधिक खनिज लवण की हानि होने लगती है तथा गर्म जलवायु में रहने वाले व्यक्तियों के आहार में खनिज लवण की कुछ मात्रा अधिक समावेश होना चाहिए, कुछ मात्रा में अधिक उनको लेना चाहिए खनिज लवण। अब आइए देखते हैं संतुलित आहार प्राप्ति के लिए विभिन्न आहार समूह कौन कौन से आहार समूह हैं जो संतुलित आहार के लिए प्राप्ति के लिए हैं। संतुलित आहार हमारे शरीर की समस्त आवश्यकता प्रकृति के लिए हमारे दैनिक आहार में आवश्यक पोषक तत्वों की समुचित मात्रा का समावेश होना चाहिए। इस पोषक तत्वों की समुचित पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों को ग्रहण करना आवश्यक है। हमारे लिए आहार विशेषज्ञ हैं, इसके लिए खाद्य श्रेणी सामग्रियों को कुछ निर्धारित किए हैं। हमें अपने आहार को संतुलित एवं पर्याप्त बनाने के लिए सभी आहार समूहों को खाद्य सामग्रियों को किसी न किसी रूप में अपने दैनिक आहार में सम्मिलित करना चाहिए। आहार विशेषज्ञों ने 7 आहार समूह निर्धारित किए हैं, इन समूहों को के बारे में हम जानते हैं। हमारे आहार में उचित प्रतिनिधित्व हो जाए तो हमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो सकते हैं तथा हमारा आहार संतुलित बन सकता है। पहला आहार समूह है हरी व पीली सब्जियां तथा फल। दूसरा आहार खट्टे रसीले फल तथा सब्जियां। तीसरा आहार समूह आलू फल अन्य सब्जियां। चौथा आहार समूह दूध तथा दूध से बने जो भी पदार्थ हैं। पाँचवा आहार समूह मछली समूह मांस मछली अंडा दालें इत्यादि। छठवा आहार समूह पर खाद्यान्न तथा संबंधित भोज्य पदार्थ। सातवां आहार समूह घी तेल शर्करा। अब यहाँ पे आइए इसकी रूप तालिका बनाई गई है कि ये आहार समूह किन किन रूपों में क्या क्या भोजन होता है। यहाँ पहला आहार समूह हरी पीली सब्जियां तथा फल। इस समूह का निर्माण मुख्य रूप से विटामिन ए सी लौह खनिज तथा विटामिन बी ट्वेल्व की प्राप्ति से किया जाता है। इस आहार समूह में विभिन्न हरी तथा पीली सब्जियाँ जो पीली होती है सब्जियाँ होती हैं फलों को सम्मिलित किया जाता है। सब्जियों के में मुख्य है सभी प्रकार के साग जितने साग होते हैं पुदीना हरा धनिया मटर फांसी फल से शकरकंद नींबू तथा ताजा फलों फलों में मुख्य है। इसके बाद फलों में आम पपीता मौसमी फल ये सब आहार समुचित मात्रा में होने चाहिए। दूसरा आहार समूह खट्टे रसीले फल तथा सब्जियाँ जो खट्टे और रसीले फल हैं आहार के दूसरे समूह का निर्धार करते हैं। उन खाद्य सामग्रियों का चयन किया जाता है जो विटामिन सी के स्रोत जिसमें जिनमें विटामिन सी अधिक मात्रा में। इस समूह में मुख्य रूप से संतरा अनानास अमरूद आंवला नींबू आदि फल तथा कच्ची पत्ता गोभी हरी प्याज सहजन आदि अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए जिनसे हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी प्राप्त हो सके। तीसरा आहार समूह है आलू फल तथा अन्य सब्जियाँ। आलू फल तथा अन्य सब्जियाँ का है आहार के तीसरे समूह के निर्धारण के लिए मुख्य रूप से उन खाद्यान्न सामग्रियों को चुना जाता है जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के उत्तम स्रोत होते हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में मिले जिनसे कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण मात्रा में मिले जैसे इस तरह के आहार में आलू शकरकंद चुकंदर नींबू खीरा बैंगन फूलगोभी सब्जी आदि होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ फल केला खजूर अंजीर खरबूजा तरबूज तथा सेब आदि फल भी इस तरह के आहार में तीसरे आहार समूह में सम्मिलित किए जा सकते हैं। चौथा आहार समूह है दूध तथा दूध से निर्मित पदार्थ। दूध और दूध से निर्मित जो दूध से बने पदार्थ हैं इस आहार समूह में प्रोटीन कैल्शियम फॉस्फोरस विटामिन ए विटामिन बी वन तथा विटामिन टू बी टू नामक तत्वों को समुचित प्राप्ति के लिए दूध तथा दूध से बने भोज्य पदार्थों को सम्मिलित किया जा रहा है। हमारे दैनिक आहार में आहार के इस समूह का उचित प्रतिनियम होता नहीं होना निरंतर आवश्यक है। हमारे दैनिक आहार में इन तत्वों का होना
आवश्यक है। पाँचवा है पाँचवा आहार समूह मांस मछली अंडा तथा दाल। इस आहार समूह का निर्धारण भी प्रोटीन प्राप्ति के दृष्टिकोण से होता है। इसमें भी प्रोटीन की अधिक मात्रा मिलती है। इस समूह में प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले मांस मछली जो प्राणियों से जंतु से प्राप्त होते हैं, मांस मछली अंडों को समृद्ध किया जाता है वनस्पति जगत से जो वनस्पति से मिलती है दालें सोयाबीन सूखी से मटर जो आदि को भोजन में शामिल किया जाता है। शाकाहारी एवं मांसाहारी व्यक्ति को अपनी अपनी रुचि के अनुसार इस समय में किसी न किसी खाद्य पदार्थ को उचित मात्रा में आवश्यक खनिज मात्रा में अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। छठवां है आहार समय खाद्यान्न तथा संबंधित खाद्यान्न तथा संबंधित भोज्य पदार्थ। इस आहार का समय निर्धारण कैसे भोज्य पदार्थों को संबंधित करना किया गया है जो ऊर्जा दायक होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा विटामिन बी लोहा फास्फोरस खनिज के अच्छे स्रोत होते हैं। सामान्य रूप से गेहूँ के आटे की बनी रोटी चावल मक्का तथा बाजरा आदि भोज्य पदार्थों को इस समय में सम्मिलित किया जाता है। अब आइए सातवां सातवां आहार समय है घी तेल तथा शक्कर। इस आहार समय का निर्धारण वसा की उचित प्राप्ति के दृष्टिकोण से किया गया है। इस समय में मुख्य रूप से घी मक्खन तेल तिलहन आदि को सम्मिलित किया गया है। इस समय का भी हमारे आहार में समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये पदार्थ भी हमारे भोजन में शामिल होना चाहिए। इनका भी प्रतिनिधित्व बराबर ही है। अब आइए स्वास्थ्य स्तर तथा भोजन व्यवस्था। ये स्वास्थ्य स्तर क्या है और इसमें भोजन की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन आहार से है। उत्तम एवं संतुलित पौष्टिक आहार ग्रहण करने से व्यक्ति स्वस्थ तथा रोग मुक्त रहता है। परिवार के सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था आदाय के सामान्य रूप से जिन्हें जो भर्ती ग्रहणी होती है उनके ऊपर होता है। परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भोजन व्यवस्था में गृहणी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके नीचे देखते हैं। संतुलित एवं पहला है संतुलित एवं पौष्टिक आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। किसी भी गृहणी को संतुलित तथा पौष्टिक आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए भी ऐसे भोज्य पदार्थों का चयन किया जाना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध मिले। दूसरा जहाँ तक संभव हो परिवार के सदस्यों को ताज़ा भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। बासी एवं रखा हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिए क्या होता है हानिकारक होता है। रखे हुए बासी भोजन में अनेक पोषक तत्व तो विटामिन आदि नष्ट हो जाते हैं। बासी भोजन होकर उनमें से पोषक तत्व तो विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तीसरा है भोजन बनाने रखने तथा परोसने में अधिक से अधिक सफाई का ध्यान रखना चाहिए। खाद्य सामग्री तथा आहार किसी भी प्रकार की गंदगी से खाने वाले के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चौथा कुपोषण से बचने के हर संभव प्रयास करना चाहिए। मिलावटी खाद्य सामग्री का उपयोग करा के नहीं करना चाहिए। आहार में अधिक मिर्च मसाले जो भोजन हम कर रहे हैं उसमें अधिक मिर्च मसाले का उपयोग नहीं करना चाहिए। भोजन पकाने की व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए कि खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व जो हों नष्ट न हो। महंगे तथा सस्ते पोषक आहार। महंगे और सस्ते पोषक आहार कौन कौन से हैं इसको देखिए। सामान्य मनुष्य का आहार पुरुष के पोषक तत्वों को देखते हुए जो ज्ञात होता है कि यह आहार कितना संतुलित होता है। जनसाधारण के आहार में सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता होती है। कार्बोहाइड्रेट मिलता है सबको इसीलिए ऊर्जा आवश्यकता को पूरा होता है। ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा होता है लेकिन आहार में प्रोटीन विटामिन लौड़ों का अभाव रहता है। अर्थात आहार पर्याप्त हो सकता है लेकिन यह सामान्यतः संतुलित नहीं होता है। सामान्य रूप से शहरों की निर्धन जनता और ग्रामीण क्षेत्रों के आहार में कार्बोहाइड्रेट के अलावा
अन्य पोषक तत्वों का अभाव बना रहता है। पोषक तत्वों के अभाव में शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। हमारा शरीर पोषक तत्वों का की कमी होगी तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। वास्तव में स्वस्थ स्तर पर ले जाने के लिए यह आवश्यक है कि हमें अधिक से अधिक उत्तम आहार मिल सके। इसकी प्राप्ति के लिए स्वस्थ भोजन के ऐसे विकल्पों की तलाश करना होगा जिससे हमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में प्राप्त हो सके। यहाँ देखिए तालिका, महंगे पोषक तत्व पोषक आहार जो महंगे हैं कैसे हैं। महंगे भोज्य पदार्थ पोषक तत्व तो क्या है? प्रोटीन, अंडा, मांस, मछली, दूध, पनीर, ये क्या है? महंगे मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट में गेहूँ, चावल, चना, सूखे मेवे, सौर जैसी जेली, मुरब्बा आदि। वसा है अंडा, मांस, मछली, घी, मक्खन, दूध। विटामिन, खनिज, फल, सूखे मेवे, मछली, दूध, संतरा, ये महंगे पोषक आहार होंगे। और यहाँ दूसरी तरीका है सस्ते पोषक आहार। सस्ते पोषक आहार क्या है? इसमें देखिए प्रोटीन, प्रोटीन वसा रहित दूध, मक्खन, दालें, सोयाबीन, फलें सस्ते हो गए। कार्बोहाइड्रेट बाजरा, जौ, आलू, शकरकंद, रतालू, चावल, गुड़, गन्ना, चुकंदर। वसा तेल, वनस्पति घी। विटामिन्स खनिज अंकुरित अनाज, दालें, सब्जियां, फल, गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, फल, टमाटर, नींबू, मौसमी फल। अब तुम देखिए ये महंगे मिलेंगे और ये सस्ते, लेकिन दोनों आहार जो हैं इतना ही पोषक तत्व देते हैं। भोजन को के पौष्टिक तत्वों को नष्ट होने से बचाने के उपाय कौन कौन से? भोजन के पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाए उनको उनसे पोषक तत्व नष्ट हो उनसे बचाने के कौन कौन से उपाय करने चाहिए? यहाँ नीचे आगे देखते हैं। संतुलित आहार प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि खाद्य सामग्री के पौष्टिक तत्वों को नष्ट होने से बचाया जाए। गृहिणी कार्य आधारित है कि भोजन पकाते समय इस बात को ध्यान में रखें कि भोजन पदार्थों के पोषक तत्व नष्ट न हो सके। भोजन पकाते समय यदि भोज्य पदार्थों के पोषक तत्व नष्ट हो जाए तो स्वाभाविक है कि आहार संतुलित आहार का संतुलन बिगड़ जाएगा। भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता बनी रहे इसके लिए पात्र को ध्यान रखना चाहिए। पहला है सब्जियों को काटने से पहले अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेना चाहिए। सब्जियों का छिलका मोटा उतारना चाहिए, इससे पौष्टिक तत्व नष्ट होते हैं। सभी को काटने के पश्चात धोने से पोषक तत्व नष्ट, सब्जी को काटने से पहले धोने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। चावल दाल आदि को धोकर और रगड़ रगड़ कर धोने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं।